भिलवाड़ा के सिंधु नगर स्थित गुरुद्वारे के सामने स्थित नाला सफाई नहीं होने से दलदल का रूप ले चुका है। नाले की करीब 2 साल से सफाई नहीं हुई, जिसमें इससे कचरे का अंबार लगा है। व्यापारी लखन सोनी ने बताया कि इस नाले में काशीपुरी से गर्ल्स कॉलेज होते हुए पानी आता है। 2 साल से नाले की सफाई नहीं हुई है, इसके चलते नाला कचरे से भरा पड़ा है और दलदल का रूप ले चुका है। सोनी ने कहा कि पूर्व में नाले में गिरने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, क्योंकि कचरे के कारण दलदल बने नाले में गिरने के बाद बच्चा बाहर ही नहीं निकल पाया था। ऐसे कोई घटना फिर नहीं हो, इसके लिए नगर परिषद को समय रहते नाले की सफाई करवानी चाहिए। ये नाला 2 साल से ऐसे ही हो रहा है, इसमें काफ़ी टाइम से गंदगी किसी ने साफ नहीं की। ये नाले का पानी काशीपुरी से होते हुए आता है, जो महिला ये गर्ल्स कॉलेज के बाहर गुरुद्वारे के सामने, इससे बहुत सारे मच्छर बदबू पैदा हो रहे हैं। और देखो आप, दलदल हो रहा है इसके अंदर, डेढ़ डेढ़ फीट तक ये जमा हुआ है, डेढ़ डेढ़ दो दो फीट के तक। इससे पानी सारा आगे जाके रुका हुआ है। ये अगर थोड़ी सी बारिश आते ही ये नगर परिषद के कोतवाली एरिया, पूरा एरिया इसकी वजह से जाम हो जाता है। समय से पहले इसको साफ़ करवाने की अपील करते हैं नगर परिषद से। समय से इसको साफ़ हो जाएगा तो आगे परेशानी नहीं आएगी। कुछ दिन पहले भी वो, पिछली बार भी वो एक बच्चे की डेथ हो गई थी, वो नाला खुला हुआ था और वो दलदल जैसा था, जो बच्चा वापस बाहर ही नहीं निकल पाया। तो ऐसा ही दलदल है, हम चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हो। नगर परिषद एक बार वापस अपील है, इसको समय से सफाई करवा देवे।